नेशनल चैंपियनशिप से कोई ट्वेंटी टू 25 डेज़ पहले आके मैंने लाहौर में ट्रेनिंग की है और जिन लड़कों के साथ मैंने ट्रेनिंग की है तो पहली बार था कि वो मेरे साथ खेल रहे थे और फिर जब उन्होंने खेला तो उनको फ़ील हुआ कि जो मुझ में और बाकी जो पाकिस्तानी फ़ीमेल प्लेयर्स हैं उनमें काफ़ी डिफरेंस है तो वो लोग और फिर जब हम लोगों ने रेस लगाई फाइव थाउजेंड मीटर्स की तो उन मैंने उनको कोई दो तीन चक्कर पीछे छोड़ दिया तो उसके बाद उन लोगों ने मेरा नाम वंडर वूमेन रख दिया और टू थाउजेंड सिक्सटीन में जो हमारा कैंप लगा था तो उसमें मलेशियन कोच आया था तो जितने भी लड़के और लड़कियाँ थी उन सब में से सिर्फ उसने मुझे कहा कि शी इज़ वेरी फिट असल आप देख रहे हैं द ब्लाइंड साइड मैं हूँ नीलम असलम कैसे हैं आप सब लोग और आप सोच रहे होंगे कि नीलम आज किसके घर पर मौजूद है आ, तो मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ कि जब मैंने ये चैनल बनाया था आ, इसका मकसद था पाकिस्तान की बेटियों को स्पेशली बेटियों को जी हाँ बहनों को बेटियों को माओ को जिस तरह से भी वो अपना सोसाइटी में रोल प्ले कर रही हैं चाहे वो कोई सिंगर हैं चाहे वो कोई एक्ट्रेस हैं चाहे डॉक्टर हैं टीचर हैं या कोई भी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हैं उनको हम ट्रिब्यूट पेश करना चाहते थे स्पेशली वो जो कि आपकी नज़रों से अक्सर ओझल रहते हैं और आपकी तवज्जो उस तरह से हासिल नहीं कर पाते जितना उनका हक बनता है और ऐसी ही एक शख्सियत के घर में आज पहुंची हूं जो कि हमारी मैं कह सकती हूं अनसंग हीरोइन है और हमें एक बार फिर से उन्होंने प्राउड फील कराया है पूरी कॉम को प्राउड फील कराया है और मैं तो रात से ये सोच रही हूँ कि कैसे कोई शख्स इतना परफेक्ट हो सकता है कि कंजेक्टिव पाँच साल तक वो चैम्पियन रहे जी हाँ ऐसी एक चैम्पियन के घर पर मैं मौजूद हूँ आपसे उनकी मुलाकात कराती हूँ माहूर शहजाद मेरे साथ हैं वालेकुम माहूर सबसे पहले तो आपको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद और अल्लाह आपको ढेरों कामयाबियां दे तशरीफ़ रखिए अपना ही घर समझिए <laughs> कैसी हैं आप मैं ठीक आप कैसी हैं मैं ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र है अच्छा माहूर इससे पहले कि हम आपके पूरे करियर के ऊपर बात करें मैं ये पाँच साल तक कोई कैसे कॉन्स्टेंटली कंजटिवली चैम्पियन रह सकता है इसके पीछे क्या राज है इतनी ज़्यादा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस मुझे लगता है कि क्योंकि मैंने मैं वाहिद फीमेल बैडमिंटन प्लेयर हूँ पाकिस्तान में जिसने इंटरनेशनल लेवल को टारगेट किया हुआ है और फिर मैं उस लिहाज से अपनी ट्रेनिंग करती हूँ उस लिहाज से मैं अपनी फिटनेस मेंटेन रखती हूँ तो फिर आ, जो नेशनल लेवल के जो टूर्नामेंट्स मैचेस होते हैं वो मुझे इजी लगते हैं बल्कि मैं ये नहीं कि मैंने सिर्फ मैचेस जीते मैंने लड़कियों को अंडर टेन हराया है जैसे जो मेरा सेमी का मैच था उसमें मैंने ट्वेंटी वन सिक्स ट्वेंटी वन थर्टीन हराए एंड देन फाइनल्स में ट्वेंटी वन सिक्स एंड ट्वेंटी सेवन तो मैंने काफ़ी मार्जिन से लड़की हो साले में <laughs> लड़कियों के ऊपर इतना जुल्म कर रही है अच्छा माहूर मैंने आपके बारे में वैसे तो बहुत सारी आप में टैलेंट भी हैं अनयूजल चीज़ें भी हैं जो कि हमारे व्यूअर्स को ज़रूर पता होनी चाहिए क्योंकि पता नहीं हमारा क्यों मसला है कि हमारी जितनी भी टेंशन है वो हमेशा क्रिकेट तक या फुटबॉल तक रहती है हालांकि बैडमिंटन बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में लव्ड स्पोर्ट्स में इसको कह सकती हूँ कि हर बच्चा ये खेलता है लेकिन चैंपियन कोई नहीं बनता ये जो कॉन्स्टेंट फिटनेस इसके लिए चाहिए ना Uh, मुझे ये बताएं कि मैंने ये भी सुनाया कि आपने अपनी बाकी लड़कियों के तो ऊपर जुल्म करती हैं आपने अपनी बहन को भी नहीं छोड़ा मतलब बहन का बहन को भी आपने हरा दिया और उनको बोला कि बस मैं हूँ अब मैं आ गई हूँ अब मैं चैंपियन बनूंगी जब मैं थर्टीन ईयर्स की थी और मेरी बहन मुझसे दो साल बड़ी वो फिफ्टीन ईयर्स की थी तो हमने फर्स्ट टाइम जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किया था तो हम दोनों का फाइनल आया था और किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि छोटी बहन बड़ी बहन को हरा देगी लेकिन मैंने उसको स्ट्रेट सेट्स में फ़िफ्टीन सिक्सटीन का हरा दिया तो सबके लिए काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ थी तो फिर उसके बाद तीन साल तक मुसलसल हम तीनों दोनों बहनों का कंपटीशन आपस आप में आता रहा फाइनल्स में लेकिन अलहमद जब भी हम दोनों का मैच हुआ तो मैंने उसको हराया है अच्छा माहूर जैसा कि आपने बताया कि आपने अपनी बहन को भी बड़ी बहन को फिर कोई सिबलिंग ड्राइवलरी नहीं उसके बाद स्टार्ट हुई कि ये मुझसे अच्छा कैसे खेलती है और इसको बाबा क्योंकि आपने बोला कि आपके बाबा सिखाते थे आपको सबसे पहले वो आपके पहले कोच थे तो बाबा को उन्होंने नहीं लगाई कि उन्होंने मुझे हरा दिया नहीं ऐसा कुछ नहीं था उसको था कि माहूर की क्योंकि शायद फिजीक वो पतली है उस बॉडी उस लिहाज से इसलिए वो जीत रही है और तब हम लोग जो है ना बैडमिंटन भी खेलते थे और साथ में इंडोर रोइंग भी करते थे तो वो इंडोर रोइंग भी मुझसे अच्छी थी क्योंकि उसके पास स्ट्रेंथ थी और इंडर रोइिंग बेसिकली आपकी स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती है अच्छा माहूर अब जब हमने देखा और हमारी बच्ची हमारी पाकिस्तान की बेटी इस तरह से पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही है और इतनी टैलेंटेड है एक्स्ट्रॉर्डिनरी गिफ्ट है उसके पास पाँच साल तक चैम्पियन रहना कोई छोट मतलब छोटी बात नहीं है बहुत बड़ी बात है एक साल भी आप अपने आप को या दो साल भी कंसेटिव मेंटेन कर लें हुकूमत की सतह पे हम अपनी इस बेटी को आपने ठीक है इंटरनेशनली रिप्रेजेंट किया है हुकूमती सतह पे या बोर्ड की सतह पे फेडरेशन की सतह पे किस तरह से आपकी हेल्प होती है किस तरह से सपोर्ट होती है उनको इस चीज़ का रियलाइजेशन है कि हमारे पास इतना टैलेंट अच्छा मौजूद है और हमने इसको वर्ल्ड मैप पे दिखाना है पूरी दुनिया में हमारी ये बच्ची हमारा डंका बचा सकती है हमारा नाम रोशन कर सकती है गवर्नमेंट की तरफ से तो सपोर्ट नहीं है हाँ फेडरेशन सपोर्ट करती है लेकिन गवर्नमेंट जैसे कि हमें इंटरनेशनल टूर्स पे नहीं भेजती बल्कि जो हमारी फेडरेशन है पहले उनको ग्रांट्स मिल रही थी तो अब ग्रांट्स मिलना बंद हो गई हैं जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे कैंप्स नहीं लग पा रहे और हमारा जो बैडमिंटन का लेवल है वो इम्प्रूव नहीं हो पा रहा लेकिन इस बार देखा जब मैंने अपनी ट्वीट डाली है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मतलब डाला है अपने ट्विटर पर कि मैंने फिफ्थ टाइम कंज नेशनल चैम्पियनशिप टाइटल जीता है तो अब अब सब मेरे ख्याल से सपोर्ट करना शुरू हो गए हैं और अगर फेडरेशन की बात की जाए तो ये तो मॉरल सपोर्ट हो गई ना मॉरल कोई किसी का फ़ोन आया कि हम आपको नेक्स्ट टूर्नामेंट में भेजेंगे किसी ने आपसे कांटेक्ट किया गवर्नमेंट uh, लेवल पे फिलहाल ऐसा कोई किसी ने कांटेक्ट नहीं किया और ना कभी फाइनेंशियल सपोर्ट तो हाँ बिल्कुल नहीं है मॉरल सपोर्ट अब करना शुरू किया और अगर फेडरेशन की बात की जाए तो जो हमारे सेक्रेटरी मिस्टर वाजिद अली वो उनकी तरफ से काफ़ी सपोर्ट है जब मैं पाकिस्तान इंटरनेशनल सीरीज़ 2019 जीती थी तो उन्होंने स्पेशली मुझे वन लाख का कैश प्राइज़ दिया था क्योंकि मैंने उसमें टूर्नामेंट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी मेरा फाइनल्स जो ईरान की लड़की थी वो वन नंबर हंड्रेड थी तो उससे मेरा मैच आया था और मैंने उसको फाइनल्स में हराया उसके बावजूद जैसे जो एशियन ओलंपिक प्रोजेक्ट है तो उन्होंने मुझे मलेशिया भेजा था उसके सेलेक्शन ट्रेनिंग कैंप में और अलहमद से मैं थ्री ईर्यस से एशियन ओलंपिक प्रोजेक्ट ट्वेंटी ट्वेंटी का पार्ट हूँ अच्छा थर्टी कंट्रीज में जाके आपने जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है जो हमारा जो झंडा है उसको बुलंद किया है तो वहां पे आपको फेडरेशन क्या उन्होंने आपके जो फाइनेंसेस थे उसको बेयर किया या वो आप खुद बेर कर रही थी जो बड़े टूर्नामेंट्स जैसे कि जो बड़े गेम्स हैं जैसे मैंने एशियन गेम्स 2014 खेला है फिर एशियन गेम्स 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 साउथ एशियन गेम्स 2019 तो ये वाले जो टूर्स के एक्सपेंसेस तो स्पोर्ट्स बोर्ड ने बेयर किए थे इसके अलावा जो मैं इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स होते हैं होते हैं जैसे कि नेपाल में जो मैंने खेला है बल्गारिया में खेला तो ये टूर्नामेंट्स मुझे अपने ओन एक्सपेंसिस पे भी पे ऐसा भी हुआ है कि मैं अपने ओन फाइनेंस में लगा मतलब आपका टैलेंट है पाकिस्तान को रिप्रजेंट कर रहा है और वो खुद अपने पैसे लगा के जा रहा है और अगर देखा जाए तो उसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम कोई नहीं है uh, बहुत बड़ा सवाल है हमारी जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है जो हमारी स्पोर्ट्स की फेडरेशन है उनके लिए हमने देखा कि टेनिस में भी यही होता है बहुत सारा टैलेंट आता है लेकिन वो इतने इंटरनेशनल टूर्स अफोर्ड नहीं कर पा सकते अच्छा आपको कुछ उन्होंने टूर्नामेंट्स में भेजा और बाकी आपने ख़ुद मैनेज किया कोई स्पेशल बाकी कंट्रीज़ में होता है अगर उनको पता चल जाता है ये हमारा स्पेशल बच्चा है या बच्ची है टैलेंटेड है वो स्पेशल उनको मैंटोरिंग के लिए भेजते हैं तो आपके कोई मेटोर्स होते हैं बाहर से मंगवाते हैं जैसे क्रिकेट में तो बड़े बड़े कोचेज बाहर से बुलाए जाते हैं बड़े महंगे कोचेज़ तो ये भी तो पाकिस्तान का टैलेंट है ना मैं कहना चाहूँगी इवन जो सबसे बड़ी मुश्किलात जो मुझे फे मुश्किल फेस होती है वो कराची में ये है कि लैक ऑफ कोचिंग फैसिलिटीज़ वहाँ पे कोई कोचेज ही नहीं है ठीक है तो मुझे हर चीज़ ख़ुद मैनेज करना पड़ता है इवन कोचेज़ को कॉल जो भी हैं मतलब खिलाने वाले उनको कॉल करना पड़ता है कि आप प्लीज़ खिला दें इस टाइम खिला दें कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं है कोई प्रॉपर ट्रेनिंग शेड्यूल नहीं है कि सुबह में ये होना चाहिए शाम में ये होना चाहिए हर चीज़ मुझे खुद डिसाइड करनी पड़ती है मैं अपनी सुबह की ट्रेनिंग खुद डिसाइड करती हूँ कि मैंने ये ये करना है फिजिकल फिटनेस में ये करना है जिम में ये करना है और जो मेरी मैचेस की वीडियो होती हैं फिर उसमें आ, मैं खुद अपने पापा के साथ बैठ के एनालाइज करते हैं कि हमारी क्या क्या वीकनेसेज और किस पे वर्क करना है तो हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में कोई भी इंटरनेशनल बैडमिंटन एकेडमी नहीं है अगर एकेडमी होगी तो काफ़ी प्लेयर्स को फैसिलिटेट होगा और प्लेयर्स अब जैसे मुझे लोग मैसेज करके पूछते हैं कि हम लोग कहाँ पे खेलें अब मुझे तो खुद इतना मुश्किल से ढूंढने पड़ते हैं कोर्ट वगैरह तो मैं उनको क्या करूँ मतलब क्या रिप्लाई करूँ तो अगर हमारे यहाँ पे इंटरनेशनल बैडमिंटन एकेडमी खुलती है और बाहर से कोचेस आते हैं तो उससे हम जितने भी बाकी प्लेयर्स हैं उनको बहुत ये बहुत बड़ा सवाल है हमारी गवर्नमेंट के लिए भी जिसका जवाब कंसर्न इदारे दे सकते हैं कि चलें फुटबॉल के लिए या बाकी स्पोर्ट्स के लिए जो महंगी है उनके लिए आपको बहुत ज़्यादा फंड्स अरेंज करना पड़ते होंगे लेकिन बैडमिंटन के लिए क्या मुश्किल है कि आप अपने पार्कस में कोर्स बनाएं आप बाहर से अच्छे कोर्चेस लेके आएँ और आप अपने पाकिस्तान के टैलेंट को ग्रूम करें अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो फिर नालायकी की हद है खैर वापस आते हैं माहूर आपकी तरफ पेरेंट्स की कैसी सपोर्ट है स्पेशली जो रिलेटिव्स हैं उनकी कैसी सपोर्ट है ठीक है कि बहुत ज़्यादा इंक्रेज नहीं किया जाता पाकिस्तान में लड़कियों को स्पोर्ट्स में जब आपको आप किसी को बताती हैं कि मैं बैडमिंटन की नेशनल चैम्पियन हूँ क्या रिएक्शन होता है लड़कियों का फैमिलीज़ का रिलेटिवस का फैमिली की तरफ से तो अलहदुल्ला पूरी सपोर्ट है मेरे जो पापा हैं उन्होंने जूनियर लेवल तक बैडमिंटन खेला तो उन्होंने शुरू से सोचा हुआ था कि मैं अपनी बेटियों को स्पोर्ट्स में डालूंगा और उन्हीं की वजह से hmm. बैडमिंटन खेलना शुरू किया और इस लेवल पे जिस लेवल पे आज मैं हूँ तो मैं अपने पेरेंट्स की वजह से हूँ मामा भी बहुत सपोर्ट करती हैं दुआएं करती हैं और पापा तो स्पोर्ट्स के बारे में इतना सीरियस है कि एक मरतबा मेरी जो बड़ी बहन है उसने कहा था कि पापा मैंने बैडमिंटन नहीं खेला तो पापा ने कहा था फिर मैं तुम्हारा स्कूल भी छुड़वा दूंगा वी वी नीड नीड सच ऑफ काइंड फादर्स फादर्स मैं उनको भी सल्यूट पेश करूंगी क्योंकि हमारी माएँ तो फिर भी चाहती हैं कि जो उनकी ज़िंदगी जैसी थी उनकी बच्चियों की वैसी ना हो वो बाहर जाएं वो ग्रूम करें लेकिन हमारे फादर्स उतने अभी लिबरल नहीं हुए हैं लेकिन आई सेल्यूट योर फादर और इसके बाद जब मेरा आई में एडमिशन हुआ तो आपको पता आई बी की बहुत स्ट्रिक्ट अटेंडेंस पॉलिसी होती है उनकी फोर एबसेंसिस के सिर्फ अलाउड है तो पापा ने कहा तुम आई में नहीं जाओ तुम सुफा यूनिवर्सिटी में चले जाओ ताकि तुम्हें एबसेंसिस का कोई मसला नहीं हो तो उन्होंने हमेशा से सोचा हुआ है कि स्पोर्ट्स मेरे लिए ज़्यादा एम मतलब इम्पोर्टेंट है दैट्स ग्रेट uh, जो लोग आना चाह रहे हैं उनको क्या मैसेज दोगी माहूर मैं अच्छा आजकल जो हमारी यूथ है इवन जो मेरा कजन है TikTok अभी मैं इस... से निकाल लो प्लीज TikTok इस कॉम एवे? को इस कॉम <laughs> के बच्चों को टिकटॉक टॉक से निकालो <laughs> वो टैलेंट नहीं है ये है टैलेंट पाकिस्तान का ये है हमारे सर ये है हमारी हीरोइन ये है हमारा पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन इंटरनेशनल लेवल पे तो इवन मैं यही कहना चाहूँगी जो हमारी यूथ है वो इतना वीडियो गेम्स में लगे मेरा यहाँ पे कज़न होता है फसी लाहौर में तो वो इतने वीडियो गेम्स में लगा हुआ है मतलब अब उसको बाहर जाने का शौक ही नहीं रहा बिल्कुल भी नहीं रहा अब वो चाहता ही नहीं है कि मैं बाहर जाके कोई स्पोर्टिंग एक्टिविटी खेलूँ तो फिर मैं यही सजेशन दूँगी पेरेंट्स को भी और जो आने वाले जो जनरेशन है हमारी यूथ है कि आप जो है स्टडीज़ ठीक है इंपॉर्टेंट है लेकिन स्पोर्ट्स को भी साथ साथ लेके चलें और कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करें ये नहीं है कि आप उसको प्रोफेशनल लेवल पे करें लेकिन अपनी फिटनेस के लिए ज़रूर करें एक्जैक्टली exactly. सच अ ग्रेट मैसेज और थैंक यू सो मच माहू वी आर सो प्राउड ऑफ यू एंड जिस की मेकिंग इज प्राउड एंड मैं ये मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि हम हमें अल्लाह ने गहरे नायाब दे दिया है अब इसको पॉलिश करना इसको इंटरनेशनल लेवल पर लेके जाना और इंटरनेशनल लेवल पर अपना लोहा मनवाना इसमें सिर्फ आप किरदार अदा कर सकते हैं ट्विटर पर ट्वीट करने से कॉन्ग्रेचुलेट uh, करने से कुछ नहीं होगा बेहतर ये होगा कि आप माहूर को कॉल करें और इसको कहीं ट्रेनिंग के लिए मेनटोरिंग के लिए भेजें ताकि ये मजीद अपने आप को ग्रूम कर सके एक बार फिर से आपके लिए बहुत सारी दुआएं और इसी तरह से आप अपने पेरेंट्स का अपनी फैमिली का और हमारा पाकिस्तान का नाम रोशन करते जाएं जाए बहुत शुक्रिया